हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट की हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रात में चुपचाप छत पर फेंका है एक लौंग, फिर 30 सेकंड के भीतर देखें चमत्कार। दोस्तों, इस उपाय के अनुसार सबसे पहले अपने मेन गेट के बाहर अच्छे से साफ सफाई कर लें। इसके बाद पूजा के लिए एक थाली सजा लें और इसमें गुड़ घी विशेष रूप से रखें। इसके बाद दरवाजे के दोनों तरफ बड़ा दिया रख दें। गौरतलब है कि उन दियों से गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उन दियों की पूजा करें। बता दें कि पूजन करने के बाद आपको अपने पितृ देवता को याद करना है और साथ ही दोनों दियों में सुलगते हुए कंडों पर गुड़ और घी एक साथ मिलाकर 5-5 बार डालना है, यानी दोनों दियों पर 5 बार डालना है। ऐसा कहा जाता है कि ये उपाय करने से आपके पितृ दोष दूर हो जाते हैं और साथ ही इस उपाय से पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि इससे देवता नाराज हो जाते हैं। ऐसे में यदि आप भगवान पर तुलसी के पत्ते चढ़ाना चाहते हैं तो एक दिन पहले तोड़ सकते हैं। गौरतलब है कि हिंदू शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में धूप जलाते हैं तो इससे आपके कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन यदि आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को कीजिए। दोस्तों, इस उपाय के अनुसार आपको आज सुबह और शाम को 2 कपूर लेकर किसी चीज में जला लेने हैं और उसमें एक जोड़ा लौंग का आपको अर्पित करना है। हम आपको बता दें कि उस लौंग को जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है और उसके बाद आपको कपूर और लौंग जलाने से जो धुआं पैदा होगा उसकी आरती आपको जरूर करनी है। जी हाँ, इससे घर में न केवल सुख और समृद्धि आती है बल्कि पैसों की तंगी भी दूर हो जाती है। तो आप बिना देर किए आज ही ये उपाय जरूर आजमाएं और पितृ दोष से छुटकारा पाने के साथ साथ अपार धन के मालिक बन जाएंगे। हो सकता है कि ये उपाय आज असर न दिखाए, पर आने वाले दिनों में आपको इसका असर जरूर दिखेगा। वो कहते हैं ना कि कड़वी दवाई अपना असर दिखाने में समय लगाती है और शास्त्रों द्वारा बताए गए उपाय भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से तुरंत लाभ मिलता है, फिर चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। लौंग के उपाय आप किसी खास दिन को छोड़कर भी कर सकते हो। सुबह पूजा करते वक्त आरती के लिए दीपक में 2 लौंग या कपूर में 2 फूल डालकर आरती करें, आपके सारे काम आसानी से बनने लगेंगे। अगर आपको पैसों से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो 5 दाने काली मिर्च लें, फिर इसे अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाकर इन दानों को ले जाकर किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर चारों दिशाओं में चारों दानों को फेंकाएं। उसके बाद 5वें दाने को आसमान की ओर फेंक दें और उसके बाद आप वापस आ जाएं। वापस आते समय आप पीछे मुड़कर ना देखें। दोस्तों, यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको हर प्रकार की समस्या से छुटकारा मिलता है। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।